हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग स्टार्ट किया, देख लो घड़ी उल्टी दिख रही है, कितने बजे, 10:20 पे आज ब्लॉग स्टार्ट किया। तो फिलहाल जल्दी घर में सफाई है, देखो पूरा कचरा इधर है, उधर देखो सब बच्चे लोग है, ये धूप इधर आ गई है मस्त वाली, और ये इधर ये सफाई करने वाली तो इधर है कर्मचारी। ओ सफाई कर्मचारी, ये देखो इसको चॉकलेट ले रखा बड़ी वाली, वो भी पवन की छुट्टियां पड़ चुकी है, वैकेशन। क्या कह रहे हैं? तो गाइस देखो यहाँ पे टुन्नू आती सिर्फ काम करने के लिए, तो फिलहाल जैसे हम काम करवाते हैं, फ्री की रोटी, फ्री की रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी इसको। तो टुन्नू हमारा काम करते हुए झाड़ू लग जाएगा, झाड़ू मारेगी तो मैं सूख जाऊंगा। और ये हमारा पूरा भरा पूरा परिवार, बाप रे अभी तो और परिवार आने वाले, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने वाली है। और ये देखो ये चल छत पे, वो कल बल्ला रखा था ना, कल हमने बेट में थोड़ा सा गोंद वोंद लगा दिया था, तो अभी उसको थोड़ा और अच्छे से मजबूती से कर देते हैं। आज धूप हो गई मस्त वाली, तो उसमें और गोंद लगा के उसको एकदम ऐसा कर देंगे एकदम कि बस, उससे फिर हम वर्ल्ड कप भी खेल ले तो टूटना नहीं चाहिए। ये देखो इसको, ये भी आ गया मेरे पीछे पीछे छत पे, लेकिन यहाँ तो बहुत धूप है, बहुत ज्यादा धूप है। एक काम कर, वॉक मुझे दे, तू वहाँ जाके बल्ला लिया, चादर पे मैंने बल्ला रखा था ना, अगर आ जा। तो फिलहाल तो पवन जा रहा बल्ला लाने के लिए वहाँ से, एक्चुअली क्या ना गाइस वहाँ पे मस्त वाली धूप लगती है, इसलिए वहीं रख दिया बल्ला को। अभी जाया पवन लेके आएगा, लिया उठा के देख लेना सूख गया क्या, कल और आज में कुछ फर्क है कि नहीं है कि ऐसे ही है, इससे बड़ा तो बल्ला ही है। गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, ये ना 1 साल का होने वाला है कुछ दिनों में, तो सिर्फ इसके बर्थडे के लिए हमने ब्लॉग चालू कर दिया। तो अभी बल्ले में थोड़ा सा गोंद वेंद का प्रोग्राम चालू करते हैं, गोंद आ गया देखो, थोड़ा सा कल बच गया था वही लगा देंगे, फालतू ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं, बल्ला बस भारी हो गया ना पर ऐसा करने के बाद। तो गाइस फिलहाल तो हमने गोंद लगा दिया इसके अंदर, ये देखो बल्ले में हो गया गोंद लगा के तैयार। और ये देखो फिलहाल यहाँ पे कृष्णा का नाश्ता पानी चल रहा है, बल्ला भारी हो गया ना, चलो कोई नहीं, कुछ धूप रखेंगे तो उससे हल्का हो जाएगा, ले इसको वापस धूप रख दे। अब आज तो शायद नहीं खेलेंगे, कल से खेलेंगे सब ना। ये देखो हमने दो तीन डब्बे से फेविकोल पूरे ख़त्म कर दिए, जितने आप फेविकोल लगा रहे हो उतना पैसा और लगाते ना बल्ला में, तो अच्छा बल्ला आ जाता है। अरे वर उधर क्यों फेंक रहा, कचरा कर रहा है यार। तो गाइस कृष्णा अभी चल रही प्रैक्टिस कर रहा है, ये 1 साल का होने वाला है, इसलिए कोशिश कर रहा है। सो गाइस आज हम बनाएंगे बिरयानी चावल, आ जाओ। दोपहर का टाइम हो रहा, भूख लगी लगभग सबको, तो खाने के लिए सब खत्म हो गया। इधर खिचड़ी थोड़ा बहुत पड़ा होगा, इधर देखो सुबह का खिचड़ी पड़ा हुआ, मगर कोई खाना नहीं चाहता है, तो अभी हम बनाएंगे बिरयानी राइस। ये कुकर है, सब कुछ है, ये हमारा हेल्पर है, ये हेल्पर देखो ये बर्तन धो रहा, और हमारा खाना बनेगा। जब ईटिंग चैनल तो सिर्फ खाने का वीडियो बनाते हैं, गैस जल के तैयार या इसमें बनाऊंगा तो इनफ रहेगा सबके लिए। चावल वाला बनाओ, बिरयानी राइस वाला चावल या फिर नॉर्मल चावल? नॉर्मल चावल, अपने पास नॉर्मल ही वैसे बिरयानी राइस से नहीं है, जाना पड़ेगा। फ्रिज में क्या क्या है, करेला डाल दू क्या? नहीं। खीरा डाल दू? हाँ है, खाना बनाने से पहले खुद बनाना पड़ता है, क्या ये सब काम तुम लोग कर सकते हो। ये देखो ये पड़ी हुई है इधर, इसको कोई काम दाम नहीं है इधर, आधी फ्री का रोटी तोड़ने के लिए, ये नहीं कि कुछ खाना ना बना के दे दे भाई साहब। बहनों की शादी होती है उसके बाद बहने सच में पराई हो जाती है, बिल्कुल पराई हो गई है मेरी बहन तो, अभी बनाऊंगा तो खा लेगी फटाफट, लेकिन ये नहीं थोड़ी हेल्प कर दे आके। सो गाइस देखो फाइनली ये बन के तैयार हुआ है, पता नहीं अब टेस्ट में कैसा होगा, मैंने बहुत दिनों बाद वैसे बनाया है सब चीज़ें। तो देखो उसको, वो अभी भी जाग रहा है, दिन में सब सो गए लेकिन वो अभी भी जाग रहा है, तो इसको खाते हैं फटाफट, ठंडा कर लेते थोड़ा सा। और ये देखो इसको, ये कहाँ जा रही है लहंगा विंगा पहन के, कैसे डरावनी लग रही है, मदरस पर डरावनी लग रही है। मैंने भी नहा लिया क्योंकि किचन में बड़ा ज़्यादा गर्मी आ गई थी पूरी, तो नहा लिया, कपड़े पहन लेते हैं और फिर उनको ज्वाइन करते हैं खाना खाने के लिए, मतलब खाना खाते हैं साथ में। सो गाइस चल तो आ गया हमारे फार्म हाउस में, और यहाँ पे देखो हम लोग खेल रहे क्रिकेट, विकेट लग गया, ये हमारा बैट आ गया जिसकी हमने रिपेयरिंग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, और ये पुराना बल्ला, और ये हमारा फार्म हाउस है जिसमें हमने थोड़े बहुत कुछ फल फ्रूट, फल तो नहीं है सिर्फ सब्जियाँ है इधर लगा रखा, और ये गेंद है। चलो भैया खेलना स्टार्ट करते हैं, पवन की बैटिंग है, और के ले मोबाइल ले जाके, कांटा लग गया देखो इसमें, यहाँ पे ये दिक्कत होता है, कांटा बहुत लगता है यहाँ पे, पता ही नहीं पड़ता कब कांटा लग जाएगा आपके चप्पल में जाके और फिर पैर में लग जाएगा। तो फिलहाल तो मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, पवन बैटिंग कर रहा है, और गाइज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग चालू किया, बहुत दिनों बाद ब्लॉग चालू किया होगा ना, बहुत दिनों बाद, तो होप्स हो कि आप लोग ऐसे सपोर्ट बना के रखोगे, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर ऐसे डेली ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ बता देना। सो गाइस हम लोगों को हो गया खेल खुला के कंप्लीट, और हम लोग जा रहे हैं, आए थे जब कितना मस्त एनर्जी था,
और इसी बीच में देखो दुख की बात है, मेरे सिर में टूटा हुआ वाइट वाल है जो इसने खोज के निकाला, इसने ये मेरे सिर में से निकला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया। चलो ठीक है, ध्यान देंगे आगे, फिलहाल तो अभी घर चलते हैं। गेट लगा दे भाई, और पापा भी बता रहे कि यहाँ पे रात में टाइगर वगैरह आया था, तो थोड़ा सा इधर पापा को बोल दिया कि जल्दी आ जाने के लिए। पापा लोग देखो उधर भी खेती वेती चल रहा है, इधर टाइगर आ जाता है। अब इनको लगेगा जब मैं बता रहा हूँ तो सबको लग गया, मजाक लगेगा, लेकिन सच में यहाँ पे टाइगर आ जाता है। यहाँ पे कई बार टाइगर आ चुका, कई बार, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे इतना टाइगर आ गया। एक बार तो हमने देखा है आज से 10-15 साल पहले, और उसके बाद यहाँ पे रोड पे कितना टाइगर आ जाता है। इधर आगे घर में कैमरा लगा हुआ है, वो घर वाले ने एक बार रात का वीडियो दिखाया था हमको यहाँ पे आके कि देखो यहाँ पे टाइगर आता है, उसके कैमरे में वीडियो आ गया था। तो भाई यहाँ पे टाइगर आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये रहा बगल में जंगल और ये हम इधर है, तो इधर टाइगर आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं है। हम तो इधर टाइगर को ऐसा फेस करते हैं, टाइगर है हम, टाइगर आ जाए तो फेस कर लेंगे ना। अपन देखो इधर, ये इधर देखो चप्पल में कांटा लगता है बहुत ज़्यादा, सेजू ने इसको ले रखा है, जबकि सेजू और इसकी हाइट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल कहाँ फर्क होगा, कोई फर्क नहीं है। मेरे को तो विश्वास नहीं होता, कई बार ऐसा लगता है कि गिरा नहीं देगा गोद में से, मगर फिर भी संभाल लेती है। इसको बच्चे को लेने में बड़ा मजा आता है, मजा आता है सेजू। और ये छत पर भी काम चल रहा है, चूल्हा वूल्हा जलेगा, बहुत दिनों बाद चूल्हा जलेगा मम्मी के गाँव जाने के बाद। उसका जलाएगा चूल्हा, बाप रे, मम्मी आएगी तो पक्का लड़ेगी कि मेरे जाने के बाद तुमने चूल्हे पे एक भी दिन नहीं बनाया, सिर्फ गैस खर्च कर रहे थे। गाइस एक्चुअली ना मम्मी गांव गई हुई है शादी में बिहार, तो मुझे भी जाना था लेकिन मेरा किसी कारणवश कैंसिल हो गया तो मैं जा नहीं पाया। अब मम्मी आज मम्मी की ट्रेन है, तो मम्मी कल पहुँच जाएगी यहाँ पे, तो मम्मी तो आ भी रही है, तो फिलहाल अब चूल्हे पे खाना बनाते हैं, टुन्नो बनाएगी। मम्मी चली गई है तो टुन्नो आ गई है मम्मी का काम संभालने के लिए, तो फिलहाल तू पहले चाय बना जाके, इलायची मंगवा लिया चाय बनाने के लिए, मगर एजिटी अभी तक चाय बनानी है भाई। इनके मम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है, टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है, और इसको थोड़ा तैयार भी करना गंदा लग रहा है। दूसरे नंबर का तेल लग गया तो क्या होगा। ओहो हो गाइस, ये साल भर का होने वाला बहुत जल्दी। अरे रे, इधर उंगली डाल देगा, अरे डाल देगा वो, उसका उंगली देख कितना पतला चलेगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तू तो पागल है। सेजू यहाँ पे पैर मत लटका करो, बेटा नीचे गिर जाओगे। मैं इसका जाल बनाने के लिए गया था, टुन्नो इसका जाल बनाता हूँ, तो मुझे लगा सस्ते में बन जाएगा, 1000-1500-2000 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। वहाँ जाके पता चला इसका इसका इसके अंदर 100 किलो तो लोहा लग गया सिर्फ। मैं क्या रेण दे, गर्मी का टाइम वैसे भी छत एलमुनियम वाला नहीं तो ऐसे और ऐसे। हाँ वो जाली वाला है ना। अरे कोई ने बोला 100 किलो, कोई ने बोला 80 किलो, कोई ने बोला 60 किलो, बोला जितना आप लगा सकते हो लोहा उतना आपके लिए सही रहेगा। क्यों ना, अच्छा हाँ पानी लेके आना, तू चाय मत बनाना, तू सिर्फ यही बैठे। तो गाइस टाइम हो गया 8:45 बज गए, और इधर देखो ये सो ही रहा। पवन उठे, जल्दी उठ, क्या यार छुट्टी पड़ने के बाद तेरे से ज्यादा आलसी कोई नहीं हो गया। ले इसको पकड़, बांध रे को, बस ये देखो इसको लग गया कि मैं जा रहा हूँ बाहर, ये रोने लग गया। आ रहा हाँ ले रहा हूँ। 1:40 हो गया गाइस, तो फिलहाल तो एक कूलर लेके आ गया मार्केट जाके, बाइक पे लेके आ गया। अभी ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, फोन जेब में होते ब्लॉग नहीं बना सके, क्योंकि इतना बड़ा कूलर बाइक पे रख के लाया, और थोड़ी सब्जी भी लेके आ गया। एक कूलर पहले से था, एक कूलर हो गया, दो दो कूलर हो गए। ये कूलर मम्मी के लेके आया, मम्मी आ रही कल गाँव से। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या खराब है। अच्छा कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल तो अभी इस कूलर में पहिए लगेंगे 4, और इधर ये मस्त एकदम बाइक खड़ी हो गई है धूप में मेरी, और सेजू भी आ गई है, लेकिन सेजू के लिए मैं कुछ नहीं लेके आया।